नबी का जिक्र ही बस मोतबर है, इसी से हस्ती खुशबू का सफ़र है, सिवा उनके नहीं कोई नज़र में, सिवा उनके नहीं कोई नज़र में, फ़कत सीरत उन्हीं की जलवागर है। खुदा के बाद तो मिदहत किसी की, कहाँ नाते नबी से मोतबर है। अलविदा अलविदा माई रमजान, अमेरिका के शहर डैलस में उर्दू अदब के फरोग के लिए सरगर्म तंजीम बज़्म उर्दू डैलस और तलत खान की तरफ से खूबसूरत महफिल नात शीश कबाब मेडिटेरियन रेस्टोरेंट डैलस में मुनक्कद की गई, जिसमें आशिकाने रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। नात रसूल करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नजराना अकीदत पेश किया गया, लोगों के लिए अफ्तारी का भी इंतजाम किया गया और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ मांगी गई। मज़ीद तफ़सील डैलस से चलता टीवी की इस रिपोर्ट में। तलत का कि जिसने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सब मिल बैठें और बातचीत करें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इकट्ठे होना ज़्यादा ज़रूरी। आई फील वंडरफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू तलत फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल रमज़ान इफ्तार फॉर अस। मैं बहुत पहले से जो है वो शुरू के उर्दू जब उर्दू घर था, अच्छा मैं जो पायनियर, क्योंकि मैं पहले दिन से आई एम एंजॉयिंग द इफ्तार डिनर्स एज वेल। तलत हैज पुट ऑन अ ब्यूटीफुल इफ्तार पार्टी दिस इवनिंग, आई एंजॉयड दैट। एंड एज फार एज माई इस्लाम माशाल्लाह, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी। इट्स ओपन डोर्स फॉर मी दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर। इट्स ओपन मी अप टू अ होल डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड लाइफ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हू हैव हेल्प्ड मी थ्रू दिस जर्नी। बस नहीं भी सहारा नहीं, और उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। करें और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, हर चीज़ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही जैसे अभी गज़ाला ने कहा, आपकी बच्चियों को देखने का मौका मिला, ये सबसे अच्छी बात है। और भी अपना तारुफ उनका होता रहे अपनी ज़ुबान से, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो वो तो नेक्स्ट स्टेप वो तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे फिर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तलत को इस हवाले से हमेशा एडमायर करती हूँ कि जब ये उर्दू घर में भी थी तो बहुत सिंगल हैंडेडली ये वहाँ का जो अरविंद का चैप्टर है उसे चलाती थी, और हर महीने इनकी एक ना एक ज़रूर तकरीब हुआ करती थी जी। और फिर उसके बाद इन्होंने जब बज़्म उर्दू का आगाज़ किया तो बहुत बाकायदगी से उर्दू अदब की तरवीज के लिए, उर्दू अदब को परवान चढ़ाने के लिए इस दयारे गैर में काम कर रही हैं, और मुझे ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन बहुत पसंद है। पहले तो उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे साथ शाना बशाना काम किया और डेकोरेशन और हर चीज़ में उनका साथ था। उमैर हैं, इनकी भी आज के प्रोग्राम में बहुत हाथ रहा, और सूफिया का भी आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में और सजाने में बहुत हाथ रहा आज। और उसके अलावा ये महफ़िल इसलिए रमज़ान में रखी गई थी आखिरी अचरे में कि हम यहाँ कुछ अल्लाह ताला का नाम ले सकें, तो उमैर ने भी नातें पढ़ीं, मैंने भी नातें पढ़ीं, और इसका मकसद और मतलब ये था कि हम थोड़ा सा अपने ईमानी जज्बे को थोड़ा सा मोटिवेट कर लें, ताकि ये जो अब ताखरातें आ रही हैं हमें उसमें थोड़ी सी दो चार रकात हम ज़्यादा नफिल पढ़ सकें। तो ये मेरा ख्याल है शायद ये मेरी कोशिश कामयाबी हुई होगी, और हम सब लोग इन ताक़ रातों में जागने की ज़्यादा हिम्मत रखेंगे।
उसके अलावा मैं शाकरा का शुक्रिया अदा करूँगी, ये मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में मौजूद रहीं। नूर का शुक्रिया, फ़ायज़ा का शुक्रिया, फ़ायज़ा बहुत अरसे से मेरे साथ बज़्म उर्दू की हम सफ़र हैं। शाला का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है कि हम आज के दिन यहाँ मौजूद हैं। बज़्म उर्दू की अफ्तारी के लिए मैं गुजारिश करती हूँ उमर ख़ान साहब से, मोहम्मद उमर ख़ान, कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ करें। उमर ख़ान साहब, लम्हे को हम जो हैं सवाब के तौर पे भी हम लोग हासिल कर रहे हैं, अल्लाह हम सब की बख्शिश का बाइस बने। में तिलावत कुरान पाक की करता हूँ, सूरह इखलास से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, ज़तो आमु तो आमुखता, शीरी सुखनीरा, बहु शक्ल्स मिलती हैं अरीबा, आई एम गोना स्टार्ट विथ हर। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रमज़ान टू यू, एंड व्हाट यू हैव द वर्ड्स टू से अबाउट दिस प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय योर मॉम। अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, मैं देख सकती हूँ माय मॉम तलत खान कितनी प्राउड हैं इसकी, और जो सारी उनकी दोस्तें जो आती हैं उनके लिए, और मैं कह सकती हूँ जो मैंने देखा है वो बहुत काम इसमें डालती हैं, वो अपना दिल, अपना काम, अपना सब कुछ ये चीज़ हम सब के लिए बनाने के लिए करती हैं, और मैं बस कह सकती हूँ ये सब जेन्युइनली उनके दिल से है और वो बहुत प्राउड है। मैं उनसे पूछूंगा रीबा, सॉरी अलिशबा, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड हैप्पी रमजान टू यू बाय द वे। रमज़ान मुबारक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है लिशबा, मैं हूँ तलत खान की सबसे बड़ी बेटी, और मैंने देखा है एटलीस्ट 8 साल से मेरी अम्मी इतना अपने दिल से इतना काम करती हैं इस प्रोग्राम में। उनकी फुल टाइम जॉब है, वो ऑब्वियसली काम पे जाती हैं, वो वापस आती हैं, यू नो टायर्ड होती हैं, पैर में दर्द होता है, फिर भी वो बैठती हैं, रिसर्च करती हैं, नाते और पोएम्स और सब कुछ ढूंढती हैं और लिखती हैं, और मुझे बहुत प्राउड होता है। जैसे कोई दूसरी आंटी पहले कह रही थी, हमारी ज़ुबान है, अगर हम भूलते हैं कोई और हमें सिखा नहीं सकता, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते जो भी हमारे बाद में आएगा, और हम जो छोटे लोग हैं हम ये सोचते हैं, और हम प्रॉबली परफेक्ट उर्दू नहीं बोलते मगर हम ट्राई करते हैं, और हम जो भी हम कह सकते हैं हम ट्राई करते हैं, और हम अपने कल्चर और अपनी ज़ुबान से बहुत लव करते हैं, और बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। छोटी बेटी इनकी तलतवाजी की लीसा, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी रमज़ान टू यू, व्हाट डू यू से अबाउट दिस प्रोग्राम। यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन्स हैविंग अ ग्रेट रमज़ान। And about this program for my mom, I'm very proud of her, and she has done this for everybody. It's not just for her, it's for everyone here. And all I can say is that she does an amazing job and she puts a lot of effort into it, and I hope everyone enjoys and continues to attend her programs so we can all just be better friends and have fun and, you know, love each other. So thank you. Thank you so much.